अच्छी तरह से याद रखिए कि हम लोग फिर से अपने उस मार्ग पर चले खुशी की बात के मार्ग एक है तो धर्म एक होगा तो भगवान एक होंगे फिर हम लोग इतने लोग क्यों हैं हम लोग इतने लोग नहीं हैं हम सब एक हैं लेकिन ऐसा कोई जो शिक्षा दिया जिसको ज्ञान नहीं था जिसको हम ईवी की तरह कहें जो सच्चा ज्ञान नहीं था लेकिन लगा कि नहीं भाई वो तो सत कह रहा है अगर सच्चा कह रहा है तो वो सत्रुप हुआ वो उसी को सत्रुपा कहा गया सच्चा ज्ञान देने वाले कौन थे मनु थे तब मनु ने जो शिक्षा दिया उसी शिक्षा को समय समय पर अवतार लेकर के लोगों ने आगे बढ़ाया तो मनु कौन कल हमने थोड़ा सा बताया था कि मनु का अर्थ आदम है एडम है तो कोई भी व्यक्ति मनु के रूप में अपने को रूपांतरित कर सकता है कैसे रूपांतरित करेगा एक तत्व है जो बताता है दो है ये लाभ यह हान ये पाप ये पुण्य ये जन्म और मृत्यु ये दो जब बताता है तो अंदर में कोई है जो दो बताए कोई चीज दो है तो उसको मन कहते हैं इसका सपोर्ट बुद्धि करता है पाप पूरे लाभ हान ये सब चीज जो हम कहते हैं इसका मतलब कोई शिक्षा दे रहा है तो मन शिक्षा दे रहा है और मन बुद्धि का साथ दे रहा है सारी गड़बड़ी यही है जो क्रिया युग ध्यान है और मन से मनु में रूपांतरण की क्रिया है। कैसे करते हैं मन को ले चलते हैं सिर और रीढ़ पर इसके अंदर ले जाते हैं मन इसके अंदर जाएगा पहले मन कहा था आँखों के माध्यम से बाहर कान के माध्यम से बाहर नाक से जिह से और स्पर्श सिंधी से सबके माध्यम से बाहर की तरफ था अब क्रिया ध्यान करने के लिए आंख बंद किए भ्रम याद किए भ्रम के सामने का क्षेत्र देखे और जिसको ब्रह्मदंड कहते हैं दंड कहते हैं गुफा कहते हैं उसको याद किए वेद के प्रथम सूत्र को ले लिए कि परबम के अलावा कुछ भी नहीं परबम सिर से पैर की तक किस रूप में है वही सभी रचनाओं के रूप में है जब अभ्यास करते हैं तो हमारी जो मन की शक्ति है जो मन तत्व है वो सिर और की ओर सुषुम्नागामी होता है सिर के अंदर जो पहले पहला ज्ञान का केंद्र है उसको सुषुम्ना कहते हैं तो मन सुषुम्नागामी होता है फिर मन और अंदर जाता है तो दूसरा ज्ञान का केंद्र है जिसको बज्रा कहते हैं मन इसमें प्रवेश किया फिर मन और अंदर जाता है फिर तीसरा है जिसको चित्रा नाड़ी कहते हैं जब मन चित्रा नारी में जाता है तो वही मन मनु हो जाता है कोई भी आदमी सही शिक्षा देगा जब क्रिया ध ध्यान करते हैं दीक्षा वाली क्रिया तो उसके बाद शिक्षा सही होती है तो याद रखिए पूरी दुनिया में जो शिक्षा दी जा रही है क्रियायुक्त दीक्षा कितने लोग लिए हैं और लिए हैं तो कितने एकाग्रता से कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो अब से ये सुनिश्चित किया जाए कि हम क्रिया ध्यान अच्छी तरह से करें और अपने मन को हम उर्धगामी करें मन को पहले गामी फिर व्रज्र नारी फिर चित्रा नारी गामी में दृश्य जगत के बारे में ज्ञान होता है ब्रजा नारी में सूक्ष्म जगत चित्रा नारी में कारण जगत हर चीज़ का कारण पता चल गया फिर शिक्षा सही देंगे हम गलत शिक्षा की वजह से पता चला कि हम आप एक हैं तो उत्तर क्या करेंगे अच्छा हम सब एक हैं तुमकी तो शादी उनसे हुई उनकी शादी उनसे हुई हम सब एक हैं तो किसी की पत्नी के साथ कोई भी रह ले जब मानते हैं हम सब एक हैं तो शादी होती ही नहीं है और तो शारीरिक संपर्क होता है शारीरिक संपर्क तब होता है जब अपने अंदर जो एनिमल है जब हम जानवरों की टेंडेंसी में आते हैं तब शारीरिक संपर्क की बात होती है तब शारीरिक संपर्क करके जो हम पैदा होते हैं ये जानवरों की टेंडेंसी की वजह से और नहीं तो किस तरह से हम प्रकट जैसे महातार बाबा होते हैं जैसे स्वामी तेजस्वी भी हुए थे जब महासमाधि उनको दी गई और पुरी में आश्रम में उनके शरीर को समाधिस्थ किया गया फ्रीजेंट होटल में प्रकट हुए कि नहीं तो जब हमें मान लेते हैं कि हम सब एक हैं दो नहीं हैं तो कल्पना मत करिए कि अच्छा हम सब एक हैं तो पता चला कि उनकी बीवी उनके साथ चली गई उनकी बीवी उनके साथ चली गई उनका उनके साथ चले गए तो बड़ा घपला हो जाएगा तो ये एक कौन सोचाता है कि मन छोटा सा ध्यान हमारे यहाँ लोग करते भी पूरा ध्यान नहीं करते हैं कितनी बहनें हैं इनसे पूछिए है। सदाचार के उच्चतम नियम पर हैं ये अमेरिका है, है, के हैं कैनेडा के हैं यूरोप के हैं हर जगह के हैं उन देशों से हैं जहाँ पर हर चीज़ स्वतंत्र कर दी गई जिसकी जो मर्जी वैसा रहे लेकिन उस तरह से रहते जैसे जीसस क्राइस्ट की शिक्षा है जैसे स्वामी केसवी ने दिया जैसे लाठी महाशय ने दिया जिस प्रकार की शिक्षा परमहंस योगानंद दी गई जो शिक्षा महात्मा गांधी दिए थे महात्मा गांधी यही कहते थे शादी करना निरर्थक नहीं करना चाहिए अगर शादी हो गई है तो साथ नहीं सोना चाहिए तो क्या करें साथ सोते हैं तो कोई चिंता नहीं तो आप पाप नहीं किए आपको समझ नहीं था क्रिया ध्यान करिए एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसमें कोई रस ही नहीं मिलेगा साथ सोने में कोई आनंद नहीं मिलेगा अच्छे नहीं लगेगा तो करेंगे क्यों आप इस तरह से क्रिया ध्यान में हमारा मन और बुद्धि मनु में रूपांतरण हो जाता है जब मनु में रूपांतरण हो जाता तब हम सही सलाह दे सकते इसके पहले नहीं सोचे पृथ्वी पर लोअर के से लेकर के या प्ले में बच्चे जाते तब से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक पीएचडी तक किस प्रकार की शिक्षाएं सब मन और बुद्धि के द्वारा शिक्षा दी जा रही है मनु का अर्थ है इंट्यूशन मनु का अर्थ है कि वो बुद्धि जो बुद्धि ये बताती कि हम सब जुड़े हुए हैं जब हम सब जुड़े हुए हैं तो फिर जुड़ने की आवश्यकता क्या है आप चाहे अमेरिका में हो कनाडा में हो जापान में हो ऑस्ट्रेलिया में हो अगर जुड़े हुए हैं तो आप अनुभव कर लेंगे फिर जब अनुभव कर लेंगे तो फिर उन सब क्रियाओं की घटना होती ही नहीं है इस तरह से शिक्षा पद्धति का एक चिंतन चल रहा है और ऐसा शिक्षा पद्धति में ऐसा रेजिडेंशियल हम स्कूल खोलने की प्लानिंग में है जहाँ बच्चे छोटे से लेकर के बड़े तक जाएं, पोस्ट ग्रेजुएट तक जाएं, स्पेशलाइजेशन करें लेकिन पहले पढ़ाया जाए कि कैसे उनका मन और बुद्धि मनु में रूपांतरित हो फिर तो हर पढ़ाई बहुत तेज होगी जिंदगी में पढ़ते रहिए लड़ी मासे की पढ़ाई के मरे हुए जिंदा कर दीजिए नहीं कर पाएंगे जब तो मन और बुद्धि को मनो में रूपांतरण कर लेंगे जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति वो भी आ जाएगी और लहड़ी महाशय वाला भी आ जाएगा इसे आवश्यक है कि इससे भारत राष्ट्र में एक नई शिक्षा नीति से संबंधित विद्यालय खोला जाए जैसे प्रम्भन से योगानंद शुरू किए थे उसके बाद अमेरिका चले गए हो नहीं पाया पूरा अमेरिका में भी नहीं हो पाया तो कहा था ना कोई इंडिया देयर उन्होंने कहा था ना कि हम पृथ्वी पर तब तक आते रहे जब तक एक भी व्यक्ति बचा हुआ है ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाया है तो सबकी ही इच्छा है जो हमारे माध्यम से बोल रही होगी क्योंकि वो सब जैसे नहीं कि कोई चीज आप कह दीजिए हेलो फोन तो फोन कहता हेलो ऐसे ऋषि मुनि ये किसी किसी के द्वारा कुछ न कुछ करते रहते हैं जैसे महातार बाबा लड़ी मास के द्वारा क्रियाफल लड़ी मासि के द्वारा इक्श्वरी परमहंश योगानंद के द्वारा इन लोगों के ही विचार होंगे जो हम करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन विद्यालय बहुत अच्छा चलेगा बशर्ते तो उसमें उन्हीं बच्चों को लेंगे जिनके माता पिता क्रिया दीक्षा लिए हैं जो क्रिया में पूरी भक्ति और आस्था रखते होंगे उन्हीं के बच्चों को ही उसमें स्वीकार किया जाएगा बाकी को नहीं बाकी को करने पर क्या होगा हम कुछ पढ़ाएंगे और कुछ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ाई शुरू होनी चाहिए जैसे हम मान ली तमिलनाडु में हैं, हमारी भाषा तमिल है तो बच्चे को तमिल का पूरा ज्ञान देना चाहिए जब से पैदा हो तब से उसी समय उसको संस्कृत का हिंदी का अंग्रेजी का इसका भी आना चाहिए और बच्चे बहुत तेज सीखते हैं आप बारह वर्ष की उम्र तक इन चारों भाषाओं का ज्ञान देते हुए ध्यान की शिक्षा दीजिए कैसे खाना खाएं कि वाइटलिटी इम्यूनिटी बढ़े कैसे खाना खाएं कि हमारी शक्ति बढ़ती जाए हमारे शांति ये सब चीज़ बढ़ता जाए इम्यूनिटी बढ़ती जाए वो बारह वर्ष तक हो जाता है उसके बाद फिर मायावी पढ़ाई हम कैसे मैथ को पढ़ें क्रिया के सिद्धांत से हम आइंस्टाइन से भी ऊपर का रिसर्च कर लें आइंस्टाइन ने तो खोजा था कि द्रव्यमान और मात्रा और समय नहीं होता है तो कैसे उसकी अनुभूति किया जाए ऐसा मैथ निकाले ऐसा फिजिक्स इस प्रकार के केमिस्ट्री, इस प्रकार का जियोलॉजी बॉटी, मेडिकल इंजीनियरिंग उसके बाद ही कर पाएंगे अगर बिना इसमें पूर्णता पाए हैं क्रियायोग में वो सब आविष्कार करते हैं वैसे तो हुआ बड़े बड़े जो पेड़ होते थे पहले खूब बड़े बड़े आम के पेड़ होते थे उसके फल आप बाल्टी भर खाइए नुकसान नहीं करता था आप दो दो सौ आम तीन तीन सौ आम एक आदमी खा लेता था दिन भर में सो दिक्कत नहीं होती है अब पेड़ों को छोटा कर दिए उनका जेनेटिक करेक्टर बदल दिए पेड़ छोटा फल बड़ा कर दिए पहले एक एक फल में बीज मोटे मोटे होते थे पल्प और रस कम होता था अब बीज पतला कर दिए पल्प और रस बढ़ा दिए सब तो खाइए तो गैस बनती है ज्यादा आम और इस समय जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड फल हैं उनको खा के देखिए फिर से नई शिक्षा नीति में आना चाहिए पेड़ पौधे वो होना चाहिए जो बड़े बड़े होते हैं जिनको ट्री कहते हैं ट्री बड़े बड़े हो बाकी हर्ब होते हैं जैसे गेहूं है चावल है तिलहन है दाल है ये सब है गन्ना की खेती है ये सारी चीजें इससे छोटे से हर्ब कहते हैं ये बड़े बड़े ट्री को हर में बदल रहे हैं कहते बोनासाइड ट्री है क्यों आप बोनासाइड करेंगे हमारी लंबाई छह फिट की है तो आप अनुसंधान करके हमें दो फिट का बना देंगे हम तो चाहते हैं कि दो फिट की हमारा बच्चा हो एक बच्चा छह फिट का हो आठ फिट का हो एक बच्चा दो फिट का हो इसको बोनासाइड नाम दे दीजिए ये कितनी ये मूर्खता की अनुसंधान है ऐसे पहले जो जानवर होता था जेनेटिकली ऑल्टर्ड करके उसी जानवर को उसी गाय से उसका ब्रेस्ट उसका स्तन बड़ा करके खूब ज्यादा दूध लेने की प्लानिंग की इतना उसको स्तन बड़ा कर दिया बैठते तो इन्फेक्शन हो जाता है इस तरह से वही दूध खा के लोग बीमार हो रहे हैं प्राचीन काल में जानवर का दूध उसकी माँ को गाय का दूध गाय के बच्चे को भैंस का दूध भैंस के बच्चे को हम तो दूध अपने माँ का लेंगे ना सिर्फ परंपरा खत्म हो गई उसका कारण क्या था कि जिस चीज की डिमांड बढ़ी उसका व्यापार करने लगे उससे पैसा बढ़ाने लगे बहुत पैसा हो गया तो बड़े आदमी कहे जाने लगे अगर बहुत पैसा में बड़े आदमी कहे जाने लगे तो आइंस्टाइन को क्यों पढ़ते ना पढ़िए और तो पैसे वाले नहीं हुए थे कबीर साहब को गुरु नानक देव जी को ना याद करिए महावीर स्वामी को लाल बुद्धा को ना याद करिए महात्मा गांधी को परम सेवकानंद को कुछ भी नहीं था इन लोगों के पास समय देशों के संपूर्ण संपदा क्रियायों के लिए दे दिए थे इन लोग फिर पढ़िए मत उनको पढ़िए जो अरबपति हैं जिनके पास हवाई जहाज है जिनके पास हर प्रकार की गाड़ियां हैं सारे संसाधन है वो पढ़ा पाएंगे आपको तो भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षा पद्धति ये लागू की जा सकती है इसको अमेरिका में नहीं की जा सकती है अमेरिका में कनाडा में और किसी अन्य देश में यूरोप में नहीं की जा सकती महात्मा गांधी तड़वा मूवमेंट इंडिया में ही कर पाए अफ्रीका में मूवमेंट किए थे उसके बाद और बड़ा मूवमेंट करते इंडिया की तरह तो नहीं हो पाता जब बुद्धिज्म फैला भारत के कारण ही फैला यहाँ पर जो क्षरित है अनगिनत पेड़ है अनगिनत जीव जंतु हैं अनगिनत भाषाएं हैं हम सब के साथ रहने की प्लानिंग कर लेते तभी हम काम कर पाते हैं नहीं तो नहीं कर पाएंगे ऐसे एक आवासीय विद्यालय की योजना है और उसमें वही बच्चे लिए जाएंगे जिनके माता पिता क्रियो की दीक्षा करते हैं तो इससे कन्विंस हैं भारत का संविधान होली साइंस होना चाहिए अगर हमारे शरीर का संविधान है कैसे हार्ट ब्लड प्रेशर ठीक करिए कैसे डायबिटीज ठीक करिए कैसे गठिया ठीक करिए कैसे किडनी ठीक करिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक करिए कैसे सुखी रहिए कैसे भयमुक्त हो जाइए चिंता मुक्त हो जाइए राग देश मुक्त हो जाइए वही तो चाहिए देश में ये तो सभी देश वाले चाहते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़े वाइटलिटी बढ़े लाही मास की इम्यूनिटी किस हद तक थी पलभर में कहीं चले जाएं प्रकाश के वेग से अधिक तेज चलते थे कुछ भी करने में सक्षम ऐसे गिरी ऐसे परमभन योगानंद इससे अच्छा संविधान कौन सा होगा जो लोग कन्विंस है कि राष्ट्र का संविधान वही होना चाहिए जो अपना संविधान हो अपना संविधान वो होना चाहिए जो सबको जोड़ने का काम करे सबको जोड़ने का काम करने से संबंधित जो सब ग्रंथ है वो होली साइंस है इसे होली साइंस के प्रारंभ में ही सामिक लिखते हैं देयर इज एन इसलिए यूनिटी इन ऑल रिलीजन जितने रिलीजन्स में अलग अलग करके हम बट गए हैं स्वामी तेस्वी कहते नहीं उन सब के अंदर एक ही सच है जब एक ही सच है फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने क्यों बटे हैं नहीं होना चाहिए जो लोग इससे कन्विंस हैं उन्हीं के ही बच्चे उसमें लिए जाएंगे तो खूब बढ़िया खाना दिया जाएगा खूब अच्छी शिक्षा दिया जाएगा कभी बीमार नहीं होंगे कभी झगड़े नहीं करेंगे अपने माता पिता की पूजा करेंगे वो अपने परिवार जितने लोग हैं सबका स्वागत सम्मान करेंगे ब्रह्मांड की सभी रचनाओं का स्वागत सम्मान करेंगे और भाषा में उनको संस्कृत एक लोकल भाषा जो भी बोली जाती क्षेत्र में हिंदी और अंग्रेजी चार भाषाओं का बहुत बढ़िया ज्ञान दिया जाएगा ज्ञान देने में उनको अच्छा लगेगा थकावट नहीं लगेगी बोझ नहीं लगेगा फिर बारह वर्ष के बाद उनको जो शिक्षा प्रणाली है माया की फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी मैथ इंजीनियरिंग मेडिकल ये दिया जाएगा जब और पेड़ पौधों के बारे में जीव जंतुओं के बारे में ये शिक्षा दी जाएगी जब वो शिक्षा दी जाएगी क्रियाग में विशेषज्ञ होने पर तो पूरी नीयत बदल जाएगी सब पेड़ हरे हो जाएंगे कोई जानवर मारे नहीं जाएंगे सब जानवर स्वस्थ रहेंगे पूरा देश ही खुशहाल हो जाएगा ऐसी योजना है और ऐसा होने जा रहा है